हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कैटरपिलर है ये इंजन और इंजन मॉडल है 3306। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉक के अंदर लाइनर कैसे फिटिंग करते हैं और ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है। अभी आप देख सकते हैं ये लाइनर है, इसके अंदर खुद में फिट कर लिया है मैंने। बस मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इसको ब्लॉक के अंदर फिट करते हैं। और ये पिस्टन है और पिस्टन रिंग है, इसको ब्लॉक अंदर कैसे फिट करते हैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है लाइनर और इसके अंदर 3 ओरिंग है और एक ऊपर में रबड़ है ब्लैक कलर का और 3 ओरिंग है। ब्लॉक के अंदर ऐसे ग्रीस लगा लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि जब लाइनर ब्लॉक के अंदर जब डालेंगे लगा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं, इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा इसे ऑयल लगा लेना है। उसके बाद उसको ब्लॉक के अंदर सीधा अंदर ब्लॉक में डालना है। थोड़ा लगाने के बाद एक लाइनर 6 लाइनर लगाने के बाद इसको कैसे बैठाते हैं, ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा अभी बाकी है, थोड़ा बैठा नहीं है, इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद में ये अच्छे से बैठता है। इसको कैसे बैठाते हैं मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा समय और लगा लेना है ताकि आराम से जाए। इसको भी सीधा इसे लगा लेना है। 2 लाइनर लगा लिया और ये 3रा लाइनर है। थोड़ा थोड़ा ऑयल ओरिंग के साथ में लगाना है बस। फ्रेंड्स, ये है डीजल इंजन कैटरपिलर, 6 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर 3306 इंजन मॉडल है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही सीधा बिल्कुल डालना है। ये देख सकते हैं आप, 3 ओरिंग है, एक ऊपर में जो ब्लैक कलर का रबड़ है, थोड़ा थोड़ा उसके साथ में भी ऑयल लगा लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका पंप का टाइमिंग, फ्यूल डीजल पंप का टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और वाल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये है लास्ट लाइनर है, इसको अभी हमने पूरा लाइनर को ब्लॉक अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये है पुलर और ये सिलेंडर हेड का बोल्ट जो होता है उसी से इसको उसमें टाइट करके इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, बिल्कुल सीधा पकड़ के। सीधा नहीं होगा तो आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ओरिंग फट जाता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। इसको सीधा बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये एक जो लाइनर है बैठ गया है, ये दूसरा लाइनर है, इसको ऐसे टाइट करना है थोड़ा सा बोल्ट को। उसके बाद बीच में रख के इसको थोड़ा सेंटर करके इसको नीचे की तरफ दबाना है। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से जाता है। ये 3रा लाइनर है, इसको भी ऐसे ही बैठाना है। थोड़ा झुका देना, नजदीक से देख सकते हैं आप, लाइनर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ चुका है।